वालेकुम दोस्तों, अभी मैं बेटियानी से आया हूँ। कल ना इतवार को, आज पीर का दिन है, तो हमारे कुछ बाबर भाई हैं, उनके वाली साहब और हमारे जहांगीर भाई, हम लोग ज़रा सा थोड़ी सी देर के लिए दोधरिया निकले, थोड़ा सा आउटिंग कर कर आएंगे और थोड़ी सी डोरी वगैरह भी करेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं शिकार क्या लगता है। तैयारी से तो खैर नहीं जा रहे इतनी, मगर ऐसी राउंड मारने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दोधरिया पर फिशिंग नहीं हो रही है, तो हम भी जाके देख लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए क्या होता है। तो बारिश हो रही थी आज सारा दिन, तो आपको मिलवाते हैं बाबर भाई के वाली साहब से और बाबर भाई से और चलते हैं दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शकील भाई के साथ जा रहे हैं ज़रा आउटिंग पे फिशिंग के लिए थोड़ी सी देर के लिए। तो सारा दिन तो बारिश होती रही, अब सोचा कि शकील भाई के साथ करें। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे एंगलर हैं, शिकारी हैं और बहुत बाखलाक आदमी हैं। अल्लाह ने इनको बड़ा अच्छा हुनर दिया है और दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद कामयाबियाँ दें। आमीन आमीन आमीन। और ये बाबर भाई हैं हमारे, ये गाड़ी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई कैसे, ठीक हैं? बेहतरीन शकील भाई, चल के अच्छा, देखते हैं क्या होता है। जी जी। अच्छा, ये पहले तो ये बताएं, आपको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, आप बताएं आपको मज़ा आ रहा है? मज़ा तो मेरे को बहुत आ रहा है माशाल्लाह, गाड़ी में बैठे हुए सुकून से और बहुत ज़बरदस्त। और चलते हैं दोधरिया और आप लोगों को दिखाते हैं भाइयों आज का प्रोग्राम क्या होता है। अगर नसीब में होगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तैयारी से तो खैर नहीं जा रहे, मगर फिर भी अल्लाह ने दिया तो मिल जाएगा, चलते हैं। ओके, इस वक्त हम दोधरिया पहुंचने वाले हैं और ये देखिए रास्ते की कंडीशन, पूरा सन्नाटा हो रहा है। लाजवाब मज़ा आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कैसा लगेगा। अच्छा दोस्तों, हम ये बताना था कि हम जो यहाँ आए थे वो हम एक आए थे गाड़ी के सिलसिले में, गाड़ी देखने के लिए आए थे। गाड़ी ख़रीदने का मूड हो रहा था हमारे बाबर भाई का, तो इन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी पसंद करी और गाड़ी पसंद आ गई और बात भी हो गई माशाल्लाह, इन्होंने बयाना भी दे दिया। तो मेन जो काम था हमारा वो गाड़ी लेने के नहीं आए थे, गाड़ी देखने के नहीं आए थे, तो हमारा वो काम हो चुका है। तो हमने बोला कि क्यों ना हम दोधरिया का भी ट्रिप लगा लें थोड़ा सा एक, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। तो चलते हैं, थोड़ी सी टूरी करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये आ गया दोधरिया, चलें। ये शकील भाई को किसर। भाई किसर लगा, बहुत टाइट किसर है, जोर मार रहा है। दोधरिया पे हो भाई इस वक्त में, ये देख सकते हो किसर माशाल्लाह। आज दिन है भाई 27 दिसंबर है 2021 और ये किसर देख सकते हो मैंने मारा है अभी बोई की डोर के ऊपर, सही है। और थोड़ी सी देर के लिए आया था और जो है पीर का दिन है, बारिश हो रही थी। लोग मेरे को फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि जो है ना शकील भाई किसर नहीं लग रहा, दोधरिया पे कुछ मछली नहीं है, सन्नाटे हो रहे हैं। तो ये आपके सामने ही देख सकते हैं किसर माशाल्लाह भाई। बेटियानी गया था दो दिन के लिए, वहाँ से आया था थका हुआ भी था। तो हमारे बाबर भाई हैं, तो इनके वाली साहब ने मुझे बोला कि हम जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए, तो डिफेंस जा रहे थे तो मैं भी चल दिया। मैंने चलो थोड़ा सा देर दोधरिया चक्कर मारेंगे, देख कर आएँ क्या सूरत हाल है। तो ये किस्सा मेरे को लगा माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। कोई आधा घंटा भी नहीं लगाया हमें यहाँ आए हुए, आधा घंटे में हमारा काम, 15 मिनट लगे होंगे। तो ये किस्सा का साइज़ देखो आपके सामने भाई, किस तरह का किस्सा है। और दोधरिया पे मछली लगता है, मगर क्या टाइम, वो सबसे बड़ी बात तो नसीब है, नसीब की बात है, नसीब से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो ये किस्सा जो है ये ज़्यादातर जिंदा चारे पे आता है, कोई पे भी आ जाता है। मैं आता हूँ ऊपर और ये अंकल को दिखाते हैं अपने, ये 150 पाउंड की डोर लगाई थी भाई। तकरीबन 10 से 15 मिनट में निकाला है, ना शिकार का मूड था, हम गाड़ी लेने के लिए आए थे खरीदने। डिफेंस में शकील भाई को कहा चलो चलते हैं आउटिंग हो जाएगी, तो ये डोर भी अपने साथ ले आए और माशाल्लाह इन्होंने तकरीबन ये 3-3.5 किलो का तो किसा होगा, इससे कम नहीं। हाँ इतना तो केजी है, आप उठा के देखिए, 4 किलो बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह से
आपको कैसे लगा कोई, यानी इसमें कोई किसी के साथ मसला कैसे आपके सामने डोरी लगाई? मेरे सामने बल्कि मुझे तो मैं मछली हाथ में लिए खड़ा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यार 10 मिनट में भी इतनी बड़ी मछली लग सकती है। तो पानी बिल्कुल डेड हो गया था, बिल्कुल यानी स्लो था। बगैर वजन की डोर लगाई मैंने गोई की, बगैर वजन की डोर के ऊपर देखो इसमें कोई वजन नहीं है भाई। ये देखो ये गाइडलाइन है आप लोगों के लिए, वजन इसमें कोई भी नहीं है, देख सकते हैं। और बिगर वजन की डोर पे मैंने लगाया था किल्लू 4 नंबर, ये देखें ये लगा हुआ है इसके मुंह के अंदर, और ये गिस्सर है, सही है। तो आज तक का ये शिकार आपको दिखाया मैंने, थोड़ी सी देर की नहीं आया, तो अब दो दरिया चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत लोगों की शिकायत आ रही है शकील भाई दो दरिया जा रही है, दो दरिया आया और अल्लाह ने मुझे दे दिया। हालांकि मेरा पार्टनर नहीं आया बाबर, वो होता तो सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि 1 से 2 11 होते हैं, तो ये सीन है हम दोनों का। और ये बाबर भाई हैं, तो अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, सफ़र करते हैं और फिर आपसे बात करेंगे, सही है भाई। पसंद आई हो वीडियो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है ये घिसर जो मैं मार रहा हूँ दो दरिया पे किस तरह के आपको लगते हैं, कैसा मज़ा आता है। और ये देख ले भाई, ये अभी अभी निकाला है, ज़िंदा है कहीं से, ये देखें, सही है। चलो चलो भाई सही है, ओके अभी आगे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, सफ़र करते हैं, फिर चलते हैं। चलो की तरफ जा रहे हैं, तकरीबन अभी हम पहुंच गए हैं 3.5 नंबर कुरंगी, तो हमारा सफ़र होने वाला है कुरंगी 5 नंबर पे। मैंने जैसा कि आपको बताया मेरी रिहाइश है, तो भाई बस ये है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, और जो है ना आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि देखें पसंद करें, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी बनाऊँगा। अगर थका हुआ था मगर वीडियो में आया, उससे लोगों की शिकायत थी कि यार कुछ नहीं गिरा, कोई नहीं आती चलते हैं। अल्लाह हाफिज, देखते रहो शकील फिशिंग पर, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह VIP वीडियो के साथ मेरे दोस्तों।